वेलकम है दोस्तों। तो चलिए आज हम देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पत्र को किस टाइप से भरना है। तो देखिए, पहले बच्चे का नाम है, शिशु का नाम, तो यहाँ अपना जो बच्चा जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है उसका नाम लिखना है। लिंग में हम स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष लिखना है। पिता का नाम लिखना है, यहाँ माता का नाम लिखना है, यहाँ जन्म तिथि लिखना है, जन्म का स्थान यहाँ लिखना है, बच्चे के जन्म का समय यहाँ लिखना है, फिर वर्तमान पता लिखना है, निवास स्थान जहाँ है आपका, ग्राम, पोस्ट, था पंचायत, थाना, जिला, राज्य, ये सब लिख देना है। उसके बाद आधार संख्या लिखना है। नेक्स्ट हमारा आवेदक किस जाति के हैं उसको लिखना है। फिर जाति का वर्गीकरण में इसको छोड़ भी देते हैं। फिर हिंदू धर्म में अपना जो धर्म है उसको, फिर मोबाइल नंबर लिखना है। नेक्स्ट हमारा है जन्म का गवाह। तो कोई भी गवाह आप दूसरा को ले सकते हैं, अपने अगल बगल के जो आपसे परिचित हैं गवाह, उसका उम्र, पता, ये सब लिखना है। नेक्स्ट यहाँ गवाह का एक फ़ोटो पहचान का चिपकाना है, हस्ताक्षर भी इधर कर लेना। फिर गवाह टू, दूसरा भी, दो गवाह जरूरी है, एक गवाह वहाँ, फिर यहाँ एक उसका लिखना है, अलग होना चाहिए, इसमें भी भर देना है, उसको पता है जितना भी। फिर यहाँ उसका भी फ़ोटो यहाँ चिपकाना है। नेक्स्ट है स्वघोषणा पत्र। इसमें जो भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके पापा का घोषणा करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि मैं, खाली स्थान, पिता का नाम लिखना है, उसके बाद बच्चे का नाम यहाँ लिखना है, फिर ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, ये सब लिख लेना है पूरा। कितना बजे जन्म हुआ है उसको भी लिख लेना है, जन्म स्थान भी लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ वंशावली बना लेना है, एक अपना पूर्वज का ना जो वंशावली चलता है, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो अपना पापा इन लोग को पूछिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर, जो जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है उसका हस्ताक्षर, या माता या पिता का हस्ताक्षर या पति का। नेक्स्ट पेज में है देखिए सूचक द्वारा भरने हेतु, इसमें जन्म की तारीख भरना, लिंग है, सब वही सब भर देना पूरा, जन्म स्थान सब भर के, भरने के बाद पूरा 1 से 20 तक यहाँ भरने का है, टिक लगाना है, भरना है कुछ कुछ। और यहाँ आपको लास्ट में देखिए यहाँ तारीख लिख लेना है और सूचक का हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान, तो बाएं अंगूठा का निशान देना है, थंब, और इधर नीचे छोड़ देना है, ये रजिस्ट्रार द्वारा भरने हैं तो ये नहीं भरना है। लास्ट पेज में आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ही भराएगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।